अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज कैबिनेट ने इसमें 3 संशोधन किया है, मैं पहले हिंदी में बता दूंगा फिर इंग्लिश में बता दूंगा। पहला कि 3 तलाक में अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो यह तभी कॉग्निजेबल होगा जब FIR पत्नी फाइल करेगी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन बाय मैरिज फाइल करेंगे। तो एक चर्चा कुछ अखबारों में हो रही थी कि नेबर कैन ऑल्सो फाइल, पड़ोसी फाइल कर सकता है, तो अब सीधा विक्टिम पत्नी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या कोई शादी से जो रिश्तेदार है वही कर सकते हैं, तभी एक केस कॉग्निजेबल होगा। दूसरा एक चिंता आई थी कि पत्नी और पति के बीच समझौते का भी अवसर मिलना चाहिए, तो आज जो इसमें संशोधन अलाउ किया है कि अब हमने इसको कंपाउंडेबल कर दिया है, पति और पत्नी की सुनवाई करके उचित टर्म पर मैजिस्ट्रेट कंपाउंडिंग यानी समझौता करा सकता है। और तीसरा, ये कोई नॉन अवेलेबल नहीं किया है, कहीं एक टीवी में चली है खबर, वो खबर गलत है बिल्कुल। ये पूरा कानून अभी भी नॉन अवेलेबल है, सिर्फ एक ही बात कहा है, मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, उसको स्पष्ट कर दिया है, आफ्टर हियरिंग द वाइफ ऑन एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन।